अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सड़कों पर है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। आज भी हमारे साथ यहाँ पे डेली वेजर्स जुड़े हुए हैं, इनसे ही जानेंगे कि इनकी क्या मुश्किलात है और ये क्यों यहाँ पर मजबूर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। पहले तो आप अपने नाम से शुरुआत कीजिए और बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और क्या मसला है। मैं पहले मैं आपके जेके न्यूज़ पॉइंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हर वक्त हम मजलूमों की आवाज़ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की। हम आपके और आपकी पूरी टीम का पूरी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन शेख है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट सरी कल्चर हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हमारे 1135 के ज़ाहिर जो हमारे आर्जी मुलाजमी जो सरी कल्चर डिपार्टमेंट में लगन से मेहनत से 20-25 सालों से काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनको 12 मंथ की तनख्वाह नहीं दी जाती है। अगर साल में 12 महीने होने के बावजूद भी इनकी अकाउंट्स में 3-4 महीनों की तनख्वाह दी जाती है और उसमें भी ह्यूज डिडक्शन की जाती है। अभी जो हाल ही में 9000 के हवाले से इजाफा, जो वो 35 रुपये का इजाफा, पहले हमारे 7500 से 9000 सरकार ने इजाफा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अभी हमारी कैजुअल लेबर्स को अभी भी वो पूरी 9000 के हवाले से नहीं दिया जा रहा है। आज हम आपके और आपके चैनल के माध्यम से अपने कमिश्नर सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब से मुतबाना गुजारिश करना चाहते हैं, बड़ा मेहरबानी करके इनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो उनको पूरी मंथ और पूरी साल दिया जाए। बिल्कुल, आप जैसे कि लगातार आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, काफ़ी समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? मैम, दरअसल बात यह है कि रोडों पर तो हम 25 सालों से बेशक है, लेकिन बदकिस्मती अलमी है ऐसी सरकार पर, आप बताएं किसको। हमारा तो हथियार प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम तो यहाँ पर आते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी करप्शन की मुंडी बना के रखे हैं वो हम नहीं जानते हैं। हमारी काम है उनके पास जाना, वो तो दरवाज़ा बंद करके वो अपने वाजवान का मजा ले रहे हैं। यहाँ से तो हमारे सीजनल लेबर्स बेचारे सराफे आ जाए, इनके मासूम बच्चे फाका कशी का शिकार हो रहे हैं, इनके जो मासूम अहलवायाल है या इनके खाने इनके घर में जो फर्दन जो बीमार है वो दवा के एक गूंद के लिए तरस रहे हैं, वो दवा के एक टीके के लिए तरस रहे हैं। बताएँ कि इनको हम अपना फरियाद लेके कहाँ जाएँ। बिल्कुल, तो आखिर में बताएं कि आप लोग चाहते क्या है और अगर आगे भी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या? हम यही चाहते हैं कि एक जो हमारे 12 मंथ की वेज जो है उसको रिलीज किया जाए, हमारी लेबिलिटीज है वो 12 मंथ हमें दिया जाए विदाउट एनी डिडक्शन। और अगर इससे अलावा अगर उन्होंने आज के बाद हमारा ये मसला नहीं हल हुआ तो हमने बिल्कुल प्रोग्राम लिया, हम भूख हड़ताल पर चले जाएंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे डायरेक्टर साहब पे आयत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे कि आपने सुना कि इनकी जो है पूरे साल की पेमेंट नहीं आती है बल्कि 4-5 महीने की इनको पेमेंट दी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये भी जो है मेहनत करने के लिए बाहर आते हैं और फिर आधी ही पेमेंट मिलना कैसे गुजारा होगा? और आप जानते हैं कि अभी महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और उस महंगाई में सिर्फ कुछ ही मंथ्स की सैलरी लेना और उस पर गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इनके जितने भी मुश्किल है उनका अजाला जल्द अज जल्द किया जाए। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।